हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि अगर टैली प्राइम में आपको स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स, कैटेगरीज, यूनिट्स ऑफ मेजर एंड गोडाउन, ये अगर आपको क्रिएट करना है, इसे एक्टिवेट करना है, इसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में, तो इसके प्रोसेस क्या है, इसके स्टेप्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितने हो सके वीडियोस को शेयर करें एंड नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं टैली प्राइम से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमने दो चैप्टर कवर कर चुके हैं जिसमें कंपनी क्रिएशन, GST एक्टिवेशन एंड कम डेटा जो माइग्रेशन है टैली ERP 9 टू टैली प्राइम है, वो कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक छोटा सा टेबल तैयार किया है जिसमें मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो उनका स्टॉक ग्रुप बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ पे डाला है स्पिनच, कैबेज, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज, कैरेट एंड बीट्स। ग्रुप ग्रीन वेजिटेबल्स, इनको मतलब एक ग्रुप में डाला है। ये सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं एंड इन सबको मैंने रूट वेजिटेबल्स में डाला है, स्वीट पोटैटोज, कैरेट एंड बीट्स। कैटेगरी में मैंने यहाँ पे रखा है वेजिटेबल, ये सारे वेजिटेबल्स हैं तो इनको सबको वेजिटेबल्स में डाल दें। उनकी क्वांटिटी, उनका रेट, उनका कौन से गोडाउन में वो स्टोर होने वाला है और फिर उसका कितना परसेंट GST लगने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। स्टॉक ग्रुप एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ये स्टॉक आइटम, उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप एक्चुअली क्या होता है ना गाइज, ये बहुत ही एक बेनिफिशियल चीज़ है जिसमें आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से ग्रुप में जाने वाला है। अब यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल का एक ग्रुप बना के रखना है आपको, और उसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये तीनों पे सेम GST रेट लगने वाला है स्टॉक आइटम के, स्पिनच, कैबेज एंड ब्रोकली, समझो 18% लगने वाला है, और ग्रीन वेजिटेबल के स्टॉक ग्रुप पे अगर आप एक बार 18% डाल दो तो ये तीनों स्टॉक आइटम में 18% ही लगेगा, क्योंकि इसका स्टॉक ग्रुप आप क्या लेके रखोगे, ग्रीन वेजिटेबल्स। लेकिन हमारे केस में आप देख सकते हो स्पिनच, कैबेज का तो सेम है लेकिन ब्रोकली पे 12% है, तो मैं ग्रीन वेजिटेबल्स में सेम रेट मतलब जो GST रेट है वो डाल नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं ग्रीन वेजिटेबल में जो GST रेट डाल दूंगा फिर वो तीनों में लग जाएगा, और तीनों के आप देख सकते हो सिर्फ दो सेम है, तीसरा अलग है, फिर है गोडाउन एंड फिर है GST रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे टेलीप्राइम में करना है ये सारी चीज़ों को। सबसे पहले आपको जाना है कंटिन्यू एजुकेशनल मोड, यहाँ पे हम एक न्यू कंपनी बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट F1 या आप शट कर सकते हैं कंपनी ऑल्ट F3 से, ठीक है, सॉरी कंट्रोल प्लस F3 से, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन नाउ शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3, ठीक है, कंट्रोल प्लस F3 से आप क्या कर सकते हैं कंपनी को शट कर सकते हो और यहाँ पे येस कर सकते हो, ठीक है। नाउ कंपनी को शट करने के बाद नॉर्मली हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट कंपनी और एक वेजिटेबल्स के नाम से मैंने कंपनी बना ली है, ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है महाराष्ट्र एंड इसको एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करना है। नाउ जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे GST का ऑप्शन आ जाएगा, तो GST रेट आप मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे इसको यस कीजिए और यहाँ पे महाराष्ट्र लेने के बाद स्टेट में, ओके, स्टेट में महाराष्ट्र के बाद आपको एंटर करना है और यहाँ पे डालना है आपको GST TIN नंबर, ओके, यहाँ पे आपको GST TIN नंबर डालने के बाद आपको इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। नाउ इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रिएट का एक न्यू ऑप्शन आ रहा है। टैली ERP 9 बहुत ही डिफरेंट है, टैली प्राइम कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो जब आप यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स ऑफ मेजर, गोडाउन एंड स्टॉक आइटम। टैली ERP 9 में आपको जो गोडाउन एंड स्टॉक कैटेगरी वो नहीं दिखता, तो वो आपको F12 में जाके उसको एक्टिवेट करना पड़ता था। यहाँ पे शो मोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख जाएंगे, और शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो बाकी और भी सारे आपको इनएक्टिव ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन है। तो चलिए हमें काम करते हैं, सबसे पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर पे आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आपके स्टॉक आइटम के हिसाब से आपको यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट करना है।
जैसे कि ये सारे आपके स्टॉक आइटम्स हैं, स्पिनाच, कैबेज, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो। तो फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे कि हम शुगर खरीदते हैं तो उसका यूनिट्स ऑफ मेजर रहेगा केजी, ठीक है? क्योंकि वो आप ऐसे ही खरीदते हो ना कि भाई 1 किलो शुगर दो, 2 किलो शुगर दो। जैसे कि आप ऑयल खरीद रहे हो तो लीटर में खरीदते हो, तो वैसे ही आपको आपके स्टॉक आइटम के हिसाब से यूनिट्स ऑफ मेजर सेट करना है। यहाँ पे स्पिनैच, कैबेज, ब्रोकली, स्वीट पोटैटोज, तो मैं सबका एक कॉमन कर देता हूँ केजी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे केजी ले रहा हूँ। जब आप ओरिजिनल वर्क करेंगे टैली पे, टैली प्राइम पे, तो आपको आपके स्टॉक आइटम के हिसाब से आप क्या चीज़ कितना खरीद रहे हो उस हिसाब से आपको यूनिट्स ऑफ मेजर मेंटेन करना है। तो हम लोग एक बना लेते हैं केजी का। यहाँ पे मैंने डाल दिया केजी और इसे मैंने एंटर कर दिया। और यहाँ पे भी सेम मैं क्या डाल दूंगा, किलोग्राम। यूनिट्स ऑफ मेजर में आपको यहाँ पे जो आप ऊपर लिख रहे हो यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप यहाँ पे पीसेस लिख रहे हैं तो यहाँ पे पीसेस लेना, उसका एब्रीविएशन आपको साथ में शो हो जाएगा। ये बन गया मेरा सिंपली यूनिट्स ऑफ मेजर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखिए गोडाउन है, मेरे दो अंधेरी मलाड उनको क्रिएट कर लेता हूँ। कीबोर्ड से एस्केप की जब आप प्रेस करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। फिर क्विट के लिए आपको यस एंड नो के लिए, यस के लिए वाई प्रेस करना है। तो नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे गोडाउन और यहाँ पे आएगा मेन लोकेशन एक्सिस बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। मैंने बोला क्रिएट नेम, नेम है यहाँ पे मैंने लिखा अंधेरी, ओके, एंटर किया। और यहाँ पे मैं करूँगा मेन लोकेशन और दूसरा मैं क्या बनाऊंगा, मलाड। और यहाँ पे इसको मैं क्या रख दूंगा, इस तरीके से मैंने गोडाउन भी इजीली क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, कैटेगरी एक ही बनाना है मुझे, वेजिटेबल्स। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी और यहाँ पे मैं करूँगा वेजिटेबल्स, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये हो चुका है क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट मैं बनाऊंगा स्टॉक ग्रुप, दो बनाना है, एक बनाना है ग्रीन वेजिटेबल्स और एक बनाना है रूट वेजिटेबल्स। एस्केप करके आपको पीछे आना है, कीबोर्ड से यस करना है और यहाँ पे आपको बनाना है स्टॉक ग्रुप। नाम में सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीन वेजिटेबल्स। अंडर अपने आपको प्राइमरी शो क्वान्टिटीज ऑफ आइटम टू बी एडेड, यहाँ पे आपको करना है येस। अब यहाँ मेरे को सेट अल्टर GST डिटेल, ये ऑप्शन को अगर आप यहाँ पे येस कर दोगे ना, तो जो स्टॉक आइटम का रेट आप यहाँ पे सेट कर दोगे ना, तो वही आपका हर एक स्टॉक आइटम पे लगेगा जिसका स्टॉक ग्रुप ग्रीन वेजिटेबल होगा। तो हमारे केस में दो तो सेम है लेकिन ये 12% अलग है, तो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, मुझे रखना है, ओके। नेक्स्ट क्या बनाना है मुझे, रूट वेजिटेबल। अब रूट वेजिटेबल में मैं सेट अल्टर को मैं यस नहीं कर सकता क्योंकि तीनों जो स्टॉक आइटम के रेट है वो डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बना लेता हूँ रूट वेजिटेबल्स, यस कर दूंगा करके एक्सेप्ट कर लूंगा। लास्ट वन बीच में हमें मेंटेन दैट इज स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम पे आपको एंटर करना है। स्टॉक आइटम पे एंटर करने के बाद हम कुछ दोनों में से कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं। जैसे पहला है स्पिनैच, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है स्पिनच। और इसका अभी अंडर इसका हमको क्या डालना है, ग्रीन वेजिटेबल्स। और यहाँ से हमको क्या लेना है, इसका केजी, ओके। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग गौर करेंगे, स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ये यहाँ पे आपको नो दिखा रहा है। तो आपको इसको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसको येस करना है। और जैसे ही आप इसको येस करेंगे तो यहाँ पे आप ये एक्टिवेशन करने के साथ साथ आपकी स्क्रीन पे भी ये शो हो जाएगा, ठीक है? हम इसको एंटर करते हैं और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी डैट यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा इसका वेजिटेबल्स केजी, सेट अल्टर GST डिटेल को मैं करूँगा येस और इसको एंटर करूँगा। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पिनच, HSN कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली HSN कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कैसा होता है कि आपके जो स्टॉक आइटम जो आप क्रिएट करते हो उसके बारे में वो डिटेल्स आपको बताता है, उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसकी GST रेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग HSN कोड होता है। मैं फिलहाल एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फिलहाल 7 डिजिट डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपके स्टॉक आइटम का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। कैलकुलेशन टाइप में दो ऑप्शन आते हैं, एक ऑन आइटम रेट और ऑन वैल्यू। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑन वैल्यू ले रहा हूँ। ऑन आइटम रेट का मतलब अगर अलग अलग रेट के हिसाब से GST रेट सेट है तो आपको ऑन आइटम रेट लेना है। जैसे कि
स्पिनेच में अगर मैंने बोला है कि स्पिनेच में 100 से 200 का अगर मैं स्पिनेच खरीद रहा हूँ अमाउंट का, तो उस पर 12% GST। 200 से 300 का स्पिनेच खरीद रहा हूँ तो उस पर 18%, और 300 से 800 मतलब 500 का स्पिनेच खरीद रहा हूँ तो उस पर 28%। मतलब अगर अलग अलग रेट्स पे अलग अलग GST लगता है तो हम कह लेते हैं ऑन आइटम रेट। लेकिन मेरे यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिनेच में मैंने सिंपली लिखा है कि मैंने 500 खरीदा और 25 उसका रेट था, सिंगल का उस पर डायरेक्ट 5% लगा। मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है कि 500 से 1000 पे 5% GST, 1000 से 2000 पे 12% GST, 2000 से 3000 पे 18%। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे, ऑन वैल्यू। ऐसे स्टॉक आइटम बनाएंगे जिस पे अब तक GST रेट लागू नहीं हुआ है तो आपको लेना एग्जेम्प्ट या तो नहीं रिलेटेड, पर हम जो टैक्स जो स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं उस पर हमको टैक्स लगाना है तो हमने ले लिया टैक्सेबल। अब इस पे इंटीग्रेटेड रेट बोला है तो यहाँ पे आपको डालना है 5%। अभी आपको अच्छी तरीके से पता है इंटीग्रेटेड सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब ये CGST, SGST, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, जो कि आप जब विद इन द स्टेट, ठीक है, यानी जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, यानी विद इन द स्टेट आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो CGST, SGST यानी हाफ ऑफ दोनों गवर्नमेंट को डिवाइड होता है टैक्स। और जब आउट ऑफ द स्टेट आप ट्रांजेक्शन करते हो यानी इंटर स्टेट, ठीक है, जब आउट ऑफ द स्टेट यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो पूरा टैक्स वो एक ही टैक्स लगता है IGST, इसलिए इसको सिंगल 5 दिया है और बाकी को 2 में डिवाइड हुआ है। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे सर। टाइप ऑफ सप्लाई लेंगे गुड्स, क्वांटिटी यहाँ पे बोला है 500, रेट डाल देंगे, गोडाउन कितना बोला है, सॉरी कौन सा गोडाउन बोला, अंधेरी, रेट बोला है 25, मैंने डाल दिया यहाँ पे 25, मैंने एंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। उसी तरीके से मैं एक और एक बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं हम कैरेट, और कैरेट बनाने के बाद यहाँ पे हम इसका क्या लेंगे, रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स KG सेम इसको फिलअप करेंगे, यस। ये तो मैंने आपको सारी डिटेल्स अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक क्रिएट करना है। ऑन वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा टैक्सेबल। अब कैरेट का रेट डालना है 12%, मैं यहाँ पे डालूंगा 12, और इसको मैं गुड्स लेते हुए क्वांटिटी ले लूँगा कैरेट का है 400, सॉरी हाँ करेक्ट 400, एंड इसका आपको लेना है मलाड, एंड रेट मैंने कितना रखा है कैरेट का 30, मैं यहाँ पे डालूंगा 30। तो देखा आपने कितना आसान था क्रिएट करना स्टॉक आइटम, घर से मेजर गोडाउन एंड स्टॉक कैटेगरी। आप टिप करके पीछे आइए, और पीछे आ जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक समरी का आपको एक ऑप्शन आएगा। जब आप उस स्टॉक समरी पे क्लिक करोगे माउस से तो यहाँ पे आपका ये ओपन हो जाएगा जो आपको बता रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल्स और रूट वेजिटेबल्स, इस हिसाब से आपने दो स्टॉक ग्रुप बनाए। जब आप उस पर एंटर करेंगे तो बताएगा कि उसके अंदर स्पिनच, उसका ये ओपनिंग बैलेंस भी बताएगा, उसी तरीके से ये रूट वेजिटेबल्स के बारे में बताएगा जिसमें बताएगा इसके अंदर क्या है कैरेट। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पे गो टू का एक ऑप्शन आता है, न्यू ऑप्शन टेलीप्राइम में, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको स्टॉक आइटम रिपोर्ट डायरेक्ट आप यहाँ पे भी शो कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे स्टॉक कैरी पे तो यहाँ पे आपको दो आपने बनाया था कैरेट एंड स्पिनच, जब आप उस पर एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको और अच्छे से इन डिटेल्स आपको यहाँ पे अच्छे से शो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं स्केप कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाके आप इसे गोडाउन वाइज भी देख सकते हो। आप इन्वेंटरी बुक्स में जाओ, यहाँ पे गोडाउन में जाओ, यहाँ पे दो गोडाउन दिखाएगा, अंधेरी पे जब आप एंटर करोगे तो बता देगा कि आपका अंधेरी में कौन कौन सा क्या क्या इन्वॉल्व है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हमने सीखा इजीली आप कैसे टेलीप्राइम में गोडाउन, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, कैटेगरी एंड ग्रुप्स को मेंटेन कर सकते हो, उसका ट्रैक रख सकते हो, एंड उसको कैसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी ये प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।